खून की कमी है, हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न होती है, बेवजह ही थकावट लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता। शरीर में यदि खून की कमी है, कैल्शियम का स्तर घटने लगा है, तो दोस्तों आज आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आई हूँ जिसका सेवन यदि आप लोग करना स्टार्ट करेंगे तो शरीर में घटता हुआ कैल्शियम तेज़ी से बढ़ने लगेगा। हड्डियों के दर्द से, जॉइंट पेन से, गठिया अर्थराइटिस से आपको राहत मिलेगी। सबसे पहले आपको इन चीज़ों में इस्तेमाल करना है मूंगफली का। ये जो ग्राउंड नट होते हैं, मूंगफली के जो दाने होते हैं दोस्तों, ज़्यादातर हम सबके रसोई घर में होता है, एक चम्मच मूंगफली को ज़रूर खाएं। आप चाहें ना तो इसे रात भर पानी में भिगा दें, सुबह उठकर एक चम्मच मूंगफली को खाएं। आप चाहें तो भून कर रख सकते हैं, खाने में इस्तेमाल करें, या फिर आप कभी कभी ऐसे ही इसे पानी में भिगा कर भी खा सकते हैं। भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है मूंगफली, पहली चीज। अगली चीज है गोंद कतीरा। जी हाँ, किसी भी पंसारी की दुकान में आपको ये गोंद कतीरा मिल जाएगा। पेट को अच्छा रखता है, पेट में ठंडक देता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बिल्कुल ही दूर करता है गोंद कतीरे का सेवन। दूध में डाल कर लें। गोंद कतीरे को सूखा नहीं खाना है। एक चम्मच गोंद कतीरा को कम से कम एक गिलास पानी में भिगा कर रात भर छोड़ दीजिए। सुबह देखेंगे ना, वो अपने आकार से चार गुना ज़्यादा हो जाएगा, एक चम्मच का छः चम्मच हो जाएगा, इतना फूलता है गोंद कतीरा। आपको केवल दो चम्मच लेना है, आप दो तीन चम्मच भी खा सकते हैं। जो बचे गोंद कतीरा उसे फ्रीज में रख दें ताकि अगले दिन फिर से खाएं, या रोज भिगाना है तो रोज भिगा सकते हैं। गोंद कतीरे को दूध में डालकर लें। चलने फिरने में जो तकलीफ होती है, हड्डियों से जो कट कट की आवाज़ आती है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगी। वैसे भी गोंद कतीरा जो होता है दोस्तों, पोषक तत्वों का भंडार होता है, कई बीमारियों को दूर करता है, यूरिनरी इन्फेक्शन से राहत दिलाता है, गैस, अपच, एसिडिटी, पेट की गर्मी से राहत दिलाता है गोंद कतीरे का सेवन। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं ना, तो लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। रोज़ सुबह उठकर फेनुग्रीक वाटर जरूर पीना चाहिए। चाय कॉफ़ी पीने से पहले आपको मेथी का पानी ज़रूर पीना चाहिए। एक चम्मच मेथी को एक गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी के पानी को हल्का सा गर्म कर लीजिए, छान लीजिए और इस पानी को पिए। अगर आप चाहें ना तो मेथी को चबा चबा कर खा सकते हैं। चबाना पसंद नहीं है तो कम से कम पानी तो ज़रूर पी लें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में होती है, बढ़ता हुआ मोटापा कंट्रोल में आता है मेथी का पानी पीने से। मेथी में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा चने का काला चना बहुत फायदेमंद होता है। चने को आप रात भर पानी में भिगाएं, दूसरे दिन इसे एक छन्नी के ऊपर डाल दीजिए, कपड़ा ढाक दीजिए या छन्नी ढाक दीजिए, आप देखेंगे इसमें अंकुरण निकल जाएगा। अंकुरित चना एक मुट्ठी जरूर खाएं, कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको आपके शरीर में खुद में अंतर लगेगा। अगर हम अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे स्किन पर और बालों पर भी पड़ता है। त्वचा पर निखार आएगा, बालों का झड़ना बंद होगा। पानी में भिगी हुई किशमिश तो इतनी गुणकारी औषधि है दोस्तों। किशमिश खून बनाने की मशीन है, आयरन से भरपूर होती है। अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम है, आप एनीमिक हैं, तो एक मुट्ठी किशमिश को पानी में भिगा कर खाएं। किशमिश को खा लीजिए, पानी को पी लीजिए। उसी तरह से बादाम का सेवन जरूर करें दोस्तों। 4 से 5 बादाम को ज़रूर खाएं। बादाम को रात भर पानी में भिगाएं ताकि इसकी जो गर्म तासीर है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। बादाम को भिगाने के बाद ये जो इसका पानी है, इसे कभी नहीं पीते हैं और पानी को फेंक दीजिए। बादाम को चबा चबा कर खाएं, छिलका उतार कर खाएंगे बादाम को तो और अच्छा है। बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है जो कि बादाम को अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने नहीं देता है, इसलिए छिलका उतरा पानी में भिगा हुआ बादाम खाएं। नाश्ते में ले सकते हैं आप इसे 4 से 5 बादाम। हड्डियां मजबूत होंगी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ढेर सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है बादाम। हमारे दिल, दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी मेमोरी को शार्प करता है बादाम का सेवन। तो मैंने ज़्यादातर घर पर रसोई घर में मिलने वाली ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इससे आप अपने शरीर में कैल्शियम का स्तर, जो कि तेज़ी से घट रहा है, उसे बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम के स्तर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये ना सोचें कि जब हमारी उम्र होती है, उम्र हो जाती है हमारी, बुढ़ापे में ही हमारा कैल्शियम का स्तर कम होता है। जी नहीं, कम उम्र के बच्चों में भी कैल्शियम का स्तर कम देखा जा रहा है। और जब शरीर में बच्चों के कैल्शियम कम होता है, उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, दांतों का विकास अच्छी तरह से नहीं होने पाता है, क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों के निर्माण में, दांतों के निर्माण में। इसलिए बच्चों को भी कैल्शियम युक्त चीज़ें ज़रूर दें ताकि तेज़ी से शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगे। यह है तिल।
जिसे हम लोग सेसमे सीड भी कहते हैं। सफ़ेद तिल खा सकते हैं, काला तिल खा सकते हैं, जो भी तिल आपको पसंद है खाएं। तिल की तासीर वैसे थोड़ी गर्म होती है, ठंड में खाया जाता है। गर्मी के मौसम में अगर तिल का सेवन करना है, एक चम्मच तिल को थोड़े से पानी में भिगा दीजिए, जैसे मैंने इस काली कटोरी में भिगाया है ना, सुबह उठकर पानी में भिगी हुई किशमिश को चबा चबा कर खाएं या तिल को चबा चबा कर खाएं। इससे जो तिल की गर्म तासीर है ना, वो भी ठंडी हो जाएगी। सेसमे सीड कैल्शियम मैग्नीशियम से भरपूर होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से राहत दिलाता है, हमारी वीकनेस को दूर करता है। तिल का सेवन, इतना कैल्शियम होता है दोस्तों, तेजी से आपके शरीर में जो कैल्शियम का घटता स्तर है ना, वो बढ़ने लगेगा। तो इन चीज़ों का सेवन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं और लंबे समय तक हेल्दी रह सकते हैं। भिगे हुए चने खाएं, पानी में भिगी हुई मूंगफली खाएं, ज़्यादा नहीं खाया जाता, एक मुट्ठी, एक मुट्ठी कभी आप चना खा सकते हैं। ये ना सोचें इतनी सारी चीज़ें, कभी आप बादाम खा सकते हैं, कभी पानी में भिगी किशमिश खा सकते हैं, और कभी गोंद कतीरा खा सकते हैं। इसे चेंज करके खाएं। सभी चीज़ों में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, ताकि आपके शरीर को सारे तरह के पोषक तत्व मिल सके, अच्छा नरिशमेंट मिल सके। दूध में डालकर आप गोंद कतीरा ले सकते हैं, या चार बादाम खा लीजिए, ऊपर से एक गिलास आप दूध पी लीजिए। आप देखेंगे बादाम खाने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, और साथ ही साथ हमारी हमें जो हड्डियों में दर्द होता है दोस्तों, घुटनों से जो टक टक की आवाज़ आती है, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। किशमिश में इतना आयरन होता है दोस्तों कि किशमिश जो होती है हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीज़ें अगर आप खाएंगे ना, अगर चश्मा लगा है तो चश्मा भी उतर जाएगा, इतनी तेज़ी से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो किशमिश खाना स्टार्ट करें, मूँगफली खाना, चना, ये सारी मैंने हेल्दी चीज़ें आपके साथ शेयर की है दोस्तों। ऊपर से आप एक गिलास दूध ले सकते हैं। अगली चीज़ जो कि बता रही हूँ, जो कि और पावरफुल है, क्या है ये? आप सोच रहे होंगे अरे ये तो राई है, सरसों है। जी नहीं, ना ये राई है ना ये सरसों है, ये है रागी। इसे इंग्लिश में हम लोग फिंगर माइलेट भी कहते हैं। रागी, रागी की खीर बनाई जाती है। इसके दानों को पीस लीजिए, कूट लीजिए, उबलते दूध में डालकर इसकी खीर बनाए, अरे बहुत बढ़िया लगता है। रागी का वो बोला जाता है इसे खीर। और दूसरा आप चाहे ना तो रागी का आटा भी मिलता है। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ ना, तो रागी का आटा गेहूं के आटे में ज़रूर मिलाती हूँ। दो चम्मच रागी का आटा पूरे गेहूं के आटे में मिला देती हूँ, जिस दिन मैं रोज़ जो रोटी का आटा करती हूँ ना उसमें। तो रागी भी सबके शरीर में जाता है। रागी तो पावर हाउस है कैल्शियम का, इतना ज़्यादा कैल्शियम होता है दोस्तों। तो इसका सेवन जरूर करें। आप चाहे तो दही में डालकर रागी का पाउडर डाल सकते हैं, रागी की खीर बना सकते हैं, आप रागी को रोटी में मिलाकर भी ले सकते हैं, इतना कैल्शियम है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।